तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा ये दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार न हो तो? फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा। सर, आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हो? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर।